महाराज देसी 91 टीवी पर बहुत बहुत स्वागत आपके सामने। दाल चावल आप देखो, उड़द की साबुत वाली दाल है महाराज। बड़ा जबरदस्त इसका रंग आ रहा और बड़ी जबरदस्त इसकी महक आ रही। महक आप तक नहीं आने की, रंग शायद थोड़ा फीका पड़ गया होगा क्योंकि कैमरे की क्वालिटी महाराज, आँख की क्वालिटी आपका फेल है। भले कितना पिक्सल जोड़ लो, आँख की तो बात ही निराली है। तो आँख की नज़रों से देख कर बहुत बढ़िया लग रही है, आप कैमरे की नज़र से देख लो, निश्चित तौर पर आपको बढ़िया लगेगी। साबुत उड़द बिल्कुल सात्विक, कोई प्याज नहीं, कोई लहसुन नहीं, कोई फालतू चीज़ नहीं, बिल्कुल सादी सरल स्वादिष्ट। प्रोटीन का स्रोत नहीं, प्रोटीन का आप समझ लो पहाड़ है ये, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। और छिलक वाली है तो साथ में विटामिन और मिनरल सब मिल जाएंगे आपको। तो खाली दाल नहीं है, छिलक वाली दाल है साबुत उड़द। और इसका स्वाद और इसका जो रंग है वो बता रहा है कि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगी महाराज। दूसरी चीज, अब खाली दाल तो खा नहीं सकते, तो साथ में महाराज आलू, आलू तो निकल गया मुंह से गलती से। चावल तो ये अक्षत है महाराज, जब से राम मंदिर के लिए अक्षत आए तब से चावलों का जो है, चावल ना निकल कर मुंह तक अक्षत ही निकलने लगे। तो ये अक्षत है, चावल है, पहले तो चावल ही कहे थे ना, उस तक पहले भात कहे थे, फिर जब टीवी का जमाना आया तो चावल कहने लगे क्योंकि टीवी में चावल ही ना कहा जाता। और अब इन्हें जो है अक्षत कहाँ जाने लगा क्योंकि अब अक्षत ही सब बुला रहे ना। तो महाराज मैं तो वो कहूँगा जो मेरी भाषा है, चावल ही ना कहते हैं, मांड उतरे हुए चावल हैं, दाल है, जबरदस्त चीज़ बन गई, जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो गया। आप देख लो मतलब छकवा है, और खाओ जितना खाना है, और दाल ऐसी कि जबरदस्ती मतलब ऊर्जा का पूरा स्रोत है इसमें। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो देसी 91 टीवी को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दो अपने मित्रों में, दोस्तों में, यारों में, परिवारों में। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, जय बाबा की।